हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेकेएस आर्ट बाय हार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डू बोटल आर्ट। आज हम बोटल आर्ट करेंगे, जिसके लिए हमें मटेरियल चाहिए। आई एम यूजिंग दिस ग्लास बॉटल, आप कोई भी बॉटल यूज कर सकते हैं। वी नीड फेविकॉल, सम एक्रेलिक कलर्स ऑफ योर चॉइस, ब्रश और स्पंज जिससे भी आप कलर अप्लाई करना चाहें, सम टिश्यू, बिंदी एंड वॉटर एंड अ एम्प्टी बॉल। इफ यू डोंट हैव बिंदी, अगर आपके पास बिंदी नहीं है, यू कैन यूज टेप। आप इसकी जगह सेलो टेप यूज कर सकते हैं, जिसमें आप स्क्वायर शेप या राउंड शेप, जो भी आप शेप रखना चाहें वो यूज कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट। सो फर्स्ट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग दिस बिंदीज एंड अप्लाइंग इट ऑन दिस बॉटल। आप इसे किसी भी शेप में लगा सकते हैं, मैंने इस तरीके से लगाया है इसे। आप रैंडमली भी लगा सकते हैं, लाइन शेप और राउंड शेप्स, व्हाट विच एवर यू लाइक। नाउ आई एम टेकिंग अ एम्प्टी बॉल एंड पोरिंग सम फेविकॉल, नाउ एडिंग सम वाटर, मिक्सिंग इट विद ब्रश टू अ लिक्विड कंसिस्टेंसी लाइक दिस। नाउ आई एम टेकिंग सम टिश्यू, मैंने इसे स्क्वायर शेप में काट लिया है, एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑन दिस बॉटल विद द हेल्प ऑफ दिस लिक्विड फेविकॉल एंड वाटर के लिक्विड से हम इसे यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। ऐसे आप पहले ये अप्लाई कर दीजिए एंड देन आप टिश्यू का पेपर लीजिए एंड इस तरह से उस पर भी ये ब्रश बहुत लाइट हैंड से आप इसको इसके ऊपर लगाइए, अदरवाइज ये आपका टिश्यू फट जाएगा। अब ये जो इसमें ये आ रहे हैं लाइन्स टाइप, ये बहुत ही अच्छा लुक देगा, टेक्सचर लुक देगा हमें बाद में। सो इसे टिश्यू आप अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लुक देगा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट जिस बिंदी पे हमारा ये टिश्यू आ गया है, हमें उसे आपको कट कर देना है पहले, ताकि क्या एंड में जब हमें इसे बिंदी को हटाना पड़े तो ये हमारा टिश्यू नहीं हटे साथ में। सो सिर्फ हमारी बिंदी हटे, तो आप लाइट हैंड से ऐसे हटा सकते हैं इजिली, और यू कैन यूज कटर फॉर दिस। सी, हमें ये बिंदी वाला पोर्शन सारा हटा देना है। आप इसे ऐसे ब्रश की हेल्प से भी इसको यहां से कट कर सकते हैं, ये गीला है टिश्यू तो बहुत इजीली कट हो जाएगा। सी, ये निकल गया सारा। नाउ हम इसे ऐसे पूरा कवर कर देंगे। सी लाइक दिस, मैंने इसके बॉटम में भी अच्छे से कवर कर दिया और कम्प्लीटली इसको कवर कर दिया एंड मैंने सारा बिंदियों के यहाँ से इसको कट कर दिया है। अब हम इसे ड्राई होने देंगे, कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद हम इससे आगे स्टेप करेंगे। नाउ इट्स कम्प्लीटली ड्राई एंड आई एम गोइंग टू डू कलर ऑन दिस। आई एम टेकिंग दिस एक्रेलिक कलर, रेड कलर, पोरिंग सम कलर इन दिस प्लेट। आई विल कलर इट, आप चाहें तो इस पर स्पॉन्ज से भी कर सकते हैं कलर और ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग सम ऑरेंज कलर, मैं टू कलर्स में इसको कर रही हूं, आप चाहे तो सिंगल कलर ही कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, मिक्सिंग इट। Like this. अब हम इसे ड्राई कर देंगे, लेट इट ड्राई कम्प्लीटली। सी नाउ इट्स कम्प्लीटली ड्राई, अभी कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब हमें ये बिंदीज इसकी हटानी है। नाउ वी हैव टू पील दिस बिंदीज, उसके लिए हम टूथपिक ले सकते हैं और सेफ्टी पिन की हेल्प से हम कर सकते हैं, इजिली हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि हमारा इस साइड का टिश्यू और कलर साथ में पील ना हो। जहां से भी हमारा ये हट रहा हो उसे हम
सेफ्टीपिन की हेल्प से कट कर देंगे पहले, देन वी विल रिमूव इट। सी लाइक दिस राउंड शेप्स आएंगे हमारे ये। सी आई रिमूव ऑल दैट बिंदीज। इफ आपका कहीं से टिश्यू पेपर या कलर निकल गया है ज्यादा, तो आप उसको नॉर्मली ब्रश से कलर करके कवर कर दीजिए। जैसे मेरे यहाँ से थोड़ा सा टियर हो गया है, आई एम टेकिंग दिस रेड कलर एंड विद द हेल्प ऑफ ब्रश मैं इसको जस्ट राउंड शेप में करने के लिए ऐसे कर दूंगी कलर। आपका कहीं और हो गया है तो आप उस पर ऐसे कलर करके उसको शेप दे दीजिए एंड लेट इट ड्राई। Now what I am going to do, I will decorate this. आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं और चाहें तो इसे डेकोरेट कर दिए। मैं अब क्या कर रही हूँ, इन सेंटर्स में बीच में मैं इसमें कुंदन चिपका रही हूँ। आपके पास जो भी डेकोरेटिव आइटम है आप उसको यूज कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है आपके लिए कि आप यही रहे। सी मैंने ऑल ओवर कुंदन्स लगा दिए हैं। इफ अब आपके पास अगर डेकोरेटिव आइटम्स नहीं है, यू कैन यूज एक्रेलिक कलर्स फॉर दिस। आई एम डूइंग नाउ विथ व्हाइट कलर। आप ईयरबड्स ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, मैं अभी मैचेस्टिक ले रही हूँ क्योंकि ईयरबड्स से मेरे ये बहुत बड़ा बन जाएगा। सो जस्ट डिप इट Give it a flower look. Like this. मैं वन ड्रॉप करके वन कर रही हूँ, आप चाहे तो सबको कर सकते हैं। इट्स लाइक डॉट मानला आर्ट। सी लेट इट ड्राई कंप्लीटली, देन यू विल वार्निश इट।